मोटा होना किसी को पसंद नहीं आता है, बट मोटे ग्रिप्स का होना आपके हाथों को बहुत पसंद आने वाला है। हे गाइस, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ। आज की वीडियो में हम इन फैट ग्रिप्स के बारे में जानने वाले हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब भी कोई डंबल या फिर पुलअप बार का जो रॉड होता है बीच में, जहां पे आप उसको पकड़ते हो, उसका अगर विड्थ ज्यादा हो या फिर वो मोटा हो, तो आपको वो सेम वेट्स उठाने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है, या फिर पुलअप्स करने में अपने बॉडी वेट को उठाने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। तो विड्थ ऑफ द बार मैटर्स ए लॉट व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ लिफ्टिंग एक्टिविटीज। तो उसी डिसएडवांटेज को हम इंटेंशनली यूज करने वाले इस फैट ग्रिप्स के साथ, जो कि आपको सारे ग्रिप्स को और भी मोटा करने में हेल्प करेगा। जनरली जो भी एक्सरसाइज में आप रॉड यूज करोगे वो इतना विड्थ वाला नहीं रहेगा। ये जैसे ही आप डाल दोगे तो आपका जो भी रॉड में आप पकड़ रहे हो, ग्रैप कर रहे हो, उसका विड्थ और बढ़ जाएगा। तो जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका आप ग्रिप विड्थ बढ़ा सकते हो इसको लगाकर, जिससे आपका ग्रिप स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाएगा और आपका फोरआर्म साइज भी डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। इसको आप इस एंड से खोल सकते हो और काफी जगह पे लगा सकते हो। द ऑप्शंस आर ऑलमोस्ट लिमिटलेस। You stand up, we gon' make some moves tonight. You stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Yeah, time to stand up, take control tonight. Spent too much time on the planets, right? It's time to execute now on your dream and life. Gotta fail fast, learn, try again and fight, alright. So ये जब लगाओगे आप अपने lifts के साथ, तो आप ज़्यादा heavy lift नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा आपको वेट्स कम लेना पड़ेगा और आपके फोरआर्म्स एंड आपके ग्रिप्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फील होएगा बाकी सारे लिफ्ट्स। मैं इसको वीक में एक या दो बार यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने फोरआर्म एंड ग्रिप स्ट्रेंथ को और डेवलप कर पाऊँ। और जो भी लिफ्ट्स करता हूँ मैं उसमें वेट्स ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ जब ये लेंगे, क्योंकि फोरआर्म्स आपका बहुत फटीग हो जाता है। बट जब आप इसको निकाल के फिर से वो लिफ्ट परफॉर्म करोगे तो वो लिफ्ट आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो अगर आपको कोई लिफ्ट का नंबर्स बढ़ाना है तो भी ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ अल्टीमेटली आपका मेजर फैक्टर रहता है कोई भी आप हैवी लिफ्ट में आगे बढ़ते रहना है तो आपको, क्योंकि आपने देखा होगा डेडलिफ्ट में भी आपका हाथ फिसल जाता है नीचे क्योंकि आपका ग्रिप स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। फिर आप स्ट्रैप्स लगाते हो या कुछ भी असिस्टेंस लेते रहते हो, बट इससे आप अपना जो रॉ ग्रिप स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी बढ़ा पाओगे। तो मैं इसको पुशिंग एक्सरसाइज के साथ यूज करता हूँ। Go bigger, making money quicker. Pain is good, make your skin a little thicker. Raw. It ain't luck. Anyone that's at the top, no, it ain't luck. It's a grind, it's a time since the day one. It's your mind deep inside, how you stay tough, how you get back up. You put the work in, and it comes back, multiply, stack, execute, and you can take that. Pulling exercise ka use karta hu. Execute, and you can take that. What you want bad? It's the truth. I'm the change that you can make. Fact, yeah, I've done it. It ain't luck. I can teach you. Yo, stand up. We gon' make some moves tonight. Yeah, stand up. Got something to prove tonight. So stand up. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight. और इवन लेग डेज के दिन भी मैं इसको यूज़ करता हूँ कभी कभी, जब भी मुझे अगर कोई लेग एक्सरसाइज में डंबल्स को होल्ड करना है या बारबेल होल्ड करना है तो इसके साथ ही मैं उसको परफॉर्म कर लेता हूँ। एंड अगर आप क्लाइंबर हो या आर्म रेस्लिंग करते हो या फिर अगर आप कोई बैट होल्डिंग स्पोर्ट खेलते हो जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इम्प्रूव होने के लिए, क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ वहाँ पे बहुत मैटर करता है। या फिर अगर आप होम वर्कआउट करते हो विद लिमिटेड वेट्स एंड बॉडी वेट, तो फिर भी अगर आपके एक्सरसाइज को आपको ओवरलोड करना है या और डिफिकल्ट करना है तो इन ग्रिप्स को ऐड करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टूल होगा। सो इन फैट ग्रिप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देखकर परचेज कर सकते हो। या अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। एंड अगर आपको कुछ फोरम स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन चाहिए तो ये दोनों वीडियोस को देखकर जरूर ट्राई करना। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सफल, स्टे स्ट्रॉन्ग।